हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टाइस बाब में स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है फर्स्ट स्केल ऑन गिटार। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा ओपन सी स्केल, क्योंकि इसे बजाना बहुत आसान है, समझना भी आसान है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का लेसन। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको सी स्केल बजा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। ये हमारा सी ओपन स्केल है, और सी स्केल को हम नेचुरल स्केल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सारे नेचुरल नोट यूज़ होते हैं, कोई शार्प या फ्लैट नोट यूज़ नहीं होता। और ज़्यादा थ्योरी में भी जाएंगे नहीं क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे, हमारा फर्स्ट स्केल है, तो पहले मुझे बजाना सीखना है। तो स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग नंबर 5 फ्रेट 3, देन स्ट्रिंग नंबर 1 स्ट्रिंग नंबर 4 पे फ्रेट पहले आपका ओपन है, देन फ्रेट 2 ऑन 4, देन फ्रेट 3 ऑन स्ट्रिंग नंबर 4, मतलब 0 2। ओके, देन स्ट्रिंग नंबर 3 ओपन, देन स्ट्रिंग नंबर 3 फ्रेट 2, देन स्ट्रिंग नंबर 2 ओपन, देन स्ट्रिंग नंबर 2 फ्रेट 1। तो नोट्स आर सी डी ई एफ जी ए बी सी। हिंदी में जैसे हम लोग करते हैं सारे गामा पा धा नी सा, तो पहले हमें असेंडिंग आना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है, सिर्फ डाउन डाउन या अप अप स्ट्रोक्स नहीं करने, हमें डाउन अप करना है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, जब आपसे इतना हो जाए देन वापस डाउन अप डाउन अप डाउन अप, मतलब सा नी धा पा मा गा री सा। फ्रेंड्स डाउन अप की प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि जब आप स्पीड में बजाना चाहेंगे और आप ऑल्टरनेट पिकिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका हाथ उस टाइम अटक जाएगा। तो शुरुआत से ही आप इन चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो स्लो फॉर यू, ये हमारा था सी स्केल। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बजेगा, और प्रैक्टिस करते टाइम नोट्स को गाइए, उससे आपकी सेंस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।